First of all, Raveena ma'am, Namrata, you guys look amazing. It's Thank like you. your characters look so badass, and I'm very excited for it. Thank you. What about him? Well, I think you look hot. Raveena ma'am, I also wanted to ask you, you've played so many diverse and so many versatile roles. And this role is an avatar that we've not really, really seen you in. Was it very difficult slipping into the shoes of Mrs. Kothari, or was it like easy? Kathin to tha, kyunki jahan tak ke main jis tarike se personal life mein insaan hoon, Indira Kothari bahut hi alag kisam ki hain. और बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि थोड़ी दुविधा रहती थी हर वक्त के मैं कहीं जो मैं पर्सनली जो मैं सोचती हूँ या मेरे जो विचार हैं या मेरी जो हमदर्दी है किसी के लिए वो कहीं मैं इस रोल में ना ढाल दूँ तो वो एक अपने आप को पीछे हमेशा खींचते रहना और किसी और को बन जाना ज़्यादातर मैंने कोशिश की है काफ़ी सालों से कि मैं हर तरीके के अलग तरीके के किरदार निभाऊं और जब कोशिश जारी रहती है तो मुझे लगता है कायनात जैसे कहते हैं आप जो चाहते हैं वो आपके दर तक ले आती है तो मेरे साथ वैसे ही हुआ है पिछले भी शोज़ और चाहे मैं पिछले अरानिया की हो या मैंने KGF 2 की हो अलग तरीके के रूप में लोगों ने देखा है लेकिन हाँ ये अवतार जो आप देखेंगे ऐसा मैंने कभी कहीं आज तक किसी फिल्म में भी नहीं और ना OTT पे प्ले किया है तो मेरे लिए ये बिल्कुल ही बहुत ही चैलेंजिंग था कैन यू टेल अस मे बी 1 or 2 थिंग्स दैट यू यूज टू डू वो जोन में आने के लिए हाउ डू यू लाइक गेट इन टू द कैरेक्टर एंड पुट ऑन दोज शूज आई थिंक हर एक एक्टर को कहीं ना कहीं अपने डायरेक्टर के हाथों में छोड़ देना चाहिए एंड जिस तरीके से वो उनकी जो दृष्टि है जिस तरीके से उनका विजन है जो वो पूरा शो देख रहे हैं या पूरी फिल्म देख रहे हैं उनको हर किरदार का पता है कि वो कैसे व्यवहार है या उनका कैसा बर्ताव है शो में उनकी एक्टिंग लेवल कहाँ तक है तो हर बार मैं अगर शॉट देती थी तो मैं पहले रुचि को देखती थी और फिर रुचि बोलती थी थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे तो उस हिसाब से हम लेके जाते थे इस किरदार को आगे तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी रुचि का आशुतोष का ताहिर का एंड पहले इतने अच्छे दिल से मीठे शब्द जो गौरव जी ने कहा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच रियली इट वाज सो स्वीट ऑफ यू टू स्टार्ट ऑफ ऑन दैट नोट एंड ऑब्वियसली जो मेरे को स्टार्स हैं सब जो यहाँ पे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मेरी प्यारी कर्मा जिनको हमने एक दूसरे को बहुत तेज़ी से हर बार देखा है हर सीन में हमारे वरुण हैं यहाँ पे जो हमारे बेटे का किरदार निभा रहे हैं और बाकी जो हमारे साथी कलाकार सब सामने बैठे हैं रचित हैं और सब हैं यहाँ पे सामने मैं सबका नाम लेना चाहूँगी लेकिन ऑल ऑफ यू वलूशा यहाँ नहीं आई कैन ओनली नॉट सी वलूशा या बट बाकी जितने हैं यहाँ पे इनकी एक जो फिल्म बनती है और एक जो शो बनता है वो सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता है सबका जो टीम वर्क है साथ में बनता है हमारे साथ मनीषा भी पूरा पूरा दिन सेट पे बैठी रहती थी मच्छरों के बीच आर्टिस्ट लोगों तो आदत होती है आप कॉरपोरेट वालों को नहीं होती आदत लेकिन उसके लिए आपको धन्यवाद आप डिज्नी हॉटस्टार से आई पूरा पूरा दिन बिताया हमारे साथ ग्रेट तो आई थिंक सब साथ में मिलके हमने ये शो बनाया है और चाहेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग सब सराहें एक बार आप देखें तो पर देखेगा ज़रूर 26 जनवरी को आ रहा है हमारा शो हम सब साथ खड़े होंगे और हम देख रहे होंगे आपको कि आप देख रहे हैं कि नहीं इतना याद रखिएगा ऑल राइट एंड इफ वी हैव अनदर क्वेश्चन यस हाय रवीना मैम मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से मेरा सवाल आपके लिए है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रेलर बहुत अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको देख के लग रहा है आपकी उम्र ठहर गई है उसी पे मेरा सवाल होगा ये कि इतना ग्लैमरस खूबसूरत सा किरदार है आपका और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सो अपने कैरेक्टर के बारे में आप इंद्राणी के किरदार के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें और आपका रवीना टंडन का क्या इनपुट था इस कैरेक्टर रवीना टंडन सिर्फ एक्टर थी जो अपना किरदार निभा रही थी एंड सिंसियरली आई थिंक एक सिंसियर एक्टर होना बहुत ही एक बड़ी खूबी है एंड इसलिए शायद अगर 90s का जिक्र होता है और तब से आज तक 33 साल हो गए इस करियर में
तो ये ज़रूर ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेहनत और सिंसियरिटी और जो आप बहुत ही ऑनेस्टी, ये तीन चीज़ें हैं जो एक एक्टर को बनाता है. एंड ये तीन चीज़ें अगर आप अपने हर किरदार में लगाओ और आप एक ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ अपना काम करो तो हर किरदार निखर के खिलता है. एंड उसी को एक जो है, सब मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत वो किस्मत भी साथ देनी चाहिए. एंड उसी के भरोसे हम सब साथ चलते हैं. लेकिन जहाँ तक कि आप अगर इंद्राणी कोठारी की बात करें, मेरे लिए, जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए थोड़ी सी कठिनाई थी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, क्योंकि आप जब शो देखेंगी तो आपको भी महसूस होगा कि क्यों हमने ऐसे कहा. आप जब देखेंगी कि उसका किरदार हर सीज़न में और हर एपिसोड में जिस तरीके से रिवील होता है, वो आपको खुद एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये अच्छी है कि बुरी है कि ये कुछ भी नहीं है इस पर. तो वो एक बैलेंस रखना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि जो हम हैं, जो जिस तरीके से हम रियल लाइफ में हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम सिंसियर हैं, ठीक है, वो आपको दिखता है. लेकिन हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर यहाँ से इस मंच से आपके दिल तक अगर छूता है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस में कुछ ऑनेस्टी थी. तो आई थिंक उसके ऊपर निर्भर रहते हैं. और आप शो देखिए, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू करेंगे.